Live Gift Bunny with Sundeep Kochar. संदीप जी, लाइफ में ये जो ग्रीड है, लालच है, लाइक हमें पकड़ लिया इसने हर तरह से. इसकी गाड़ी देखो, उसका ये देखो, उसकी बीवी, सब चीज का लालच लगा हुआ है. तो कैसे कंट्रोल करें अपने मन को? देखिए, मन जो है वो कोई मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं. मानता नहीं जी. और उस दिन लोग मान नहीं रहे थे, लेकिन उनको मैं यही मनाने की कोशिश कर रहा था कि बड़े दयाबरू होके तेरे कूचे से हम निकले, और बहुत निकले दिल के अरमान, फिर भी कम निकले. फिर लोगों ने मुझे बात समझाया कि भाई साहब शेर गलत है, पर मैंने कहा पता नहीं, मुझे तो यही काफी मैच करता हुआ नजर आया. लेकिन जो असली शेर है वो ये है, और बहुत ही खूबसूरत है. एंड आई थिंक आपके सवाल का जवाब है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, और बहुत निकले दिल के अरमान, फिर भी कम. तो ये जिंदगी जो है वो मानती नहीं है, यू नो, हमें और चाहिए और चाहिए. जैसे आपने कहा कि पहले तो एडवर्टाइजमेंट आता था, उसकी शर्ट मेरी शर्ट से सफेद कैसी, अब उन्हें लगा कि उसकी वाइफ मेरी वाइफ से ब्यूटीफुल कैसी. यानी यार कहीं तो रुक जाओ यार. तो जो हमारा डिजायर है वो इट इज नेवर एंडिंग, बट मुझे उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी आई बिलीव इन दैट, क्योंकि अगर सोचोगे नहीं तो होगा कैसे. तो यू हैव टू हैव सम ड्रीम्स, बिकॉज दोज हु ड्रीम द मोस्ट डू द मोस्ट. तो आपकी जो सोच है, आपके जो सपने हैं, वो आपको जरूर देखने चाहिए. बट वो लालच जो आपने वर्ड यूज किया था, वो है जो इंसान को फंसा देता है. और फिर इंसान, ये कलयुग है, और ये कलयुग को राहु रूल करता है, द प्लैनेट ऑफ इल्यूजन. राहु इज द प्लैनेट ऑफ इल्यूजन. और फिर हम उसमें माया में फंस जाते हैं. माया नगरी कहा जाता है जब हम लोग बैठे हुए हैं. तो माया में इंसान हो या माया किसी भी तरह की हो, उसमें इंसान उलझ जाता है, फंस जाता है, फिर जिंदगी उसकी मुश्किल में पड़ जाती है. और फिर किसी शायर ने कहा था जो आपसे मुखातिब है कि जिंदगी मुश्किल है या फिर मुश्किल में है जिंदगी. जिंदगी मुश्किल है या फिर मुश्किल में है जिंदगी, कभी गुजर जाते हैं हम और कभी गुजर जाती है जिंदगी. क्या तो भाई, एक दिन तो हमने गुजरना है, लेकिन क्या आप जिंदगी को ठीक से गुजार रहे हैं? आर यू हैप्पी विद व्हाट यू हैव? और अगर लालच रखना है तो जीने का लालच रखो, खुश रहने का लालच रखो. आई थिंक दैट्स अ बेटर लालच टू हैव. ये लालच रखो कि मैं उससे ज्यादा लोगों के काम आऊं. हां, तो लाइक आई विल बी द नाइसेस्ट पर्सन. एब्सोल्युटली. तो ये लालच पॉजिटिव लालच भी हो सकता है. तो अगर मुझे लगता है कि मोहब्बत करनी है तो सही मायने में करिए, लेकिन इतनी भी मोहब्बत ना करिए कि वो बेवफाई लगने लगे. तो लालच इज बेवफाई, और हेल्पिंग या आपका डिजायर इन द राइट वे इज मोहब्बत. बट मुझे ऐसा किसी ने बोला भी था कि कहीं ना कहीं कुंडली में कोई प्लैनेट का इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है तो पर्सन ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाता है, उसको ज्यादा अट्रैक्शन होती है टुवर्ड्स बिग कार्स, बिग हाउसेस. इज इट ट्रू? एब्सोल्युटली, बिल्कुल आपने सही कहा. मुझे यही जवाब देना चाहिए था एक्चुअली. राहु इज अ प्लैनेट ऑफ इल्यूजन, मैंने कहा. किसी की कुंडली में अगर लगन में राहु है, लगन में राहु, मैं आपको एक दिन जरूर सॉरी आई करते करते, तो वो इंसान एसेंडेंट, जो हमारे मन को रूल करता है, वो इंसान शॉर्टकट में बिलीव करता है. ऐसे बच्चे यू नो स्कूल जाते हैं, लेकिन लगता है यार मैं कोई पॉकेट मनी अपनी कहीं से जनरेट कर रहा हूँ, मुझे ये कर लेना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, छोटे छोटे बिजनेस कर लेते हैं. हाँ, और वो फिर आगे बढ़ते हैं. मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियन दे हैव लगन में राहु, तो वो लोग मैंने उसको लेके डिप्लोमेटिक, टैक्टफुल, नेवर एंडिंग डिजायर. बोले कितने पैसे थे पहले इलेक्शन में जब वो जा रहे थे, उन्होंने बोला कि 15 करोड़. 5 साल के बाद वो हो गया यू नो 150 करोड़. फिर अगले 5 साल का इलेक्शन लड़ने गए तो 1500. तो कहने का मतलब आई एम नॉट जस्ट पिनपॉइंटिंग पॉलिटिक्स, व्हाट आई एम सेइंग इज, क्योंकि वो राहु से रूल ले, इसलिए मैंने कहा कि राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको माया में फंसाता है, जो लालच आपका कभी खत्म नहीं होने देता, फिर इंसान कभी भी उसकी वजह से खुश नहीं रह पाता. क्योंकि हैप्पी जो इंसान है वही लकी है. उसके लिए जैसे संदीप हमेशा रिकमेंड करते हैं, एक ही गोली है, मेडिटेशन. एब्सोल्युटली, बिल्कुल. और खाने से मुझे याद आया कि यू नो कि द राइट मंत्रा जो आपको रोज खाना चाहिए पानी के साथ, कि कंटेंटमेंट विद लिटिल येट लुकिंग फॉर मोर. हिंदी में कहा थोड़ा है, थोड़े की जरूरत. एब्सोल्युटली, गाना भी है, गाइए अपने अपने घरों में, कंटेंट रहिए.